दोस्तों आईपीएल 2021 का शेड्यूल बीसीसीआई ने पूरी तरह से घोषित कर दिया है। जहां आईपीएल 2020 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो वहीं आईपीएल 2021 का मेगा ऑक्शन इस डेट को होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं, आईपीएल 2021 में आठ की जगह 10 टीमें हमको नजर आने वाली है। तो आइए चलो देखते हैं वो 10 टीमें कौन सी रहने वाली है और आईपीएल का मेगा ऑक्शन कितने तारीख को होने वाला है और कौन सी डेट को होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन की। बीसीसीआई 24 दिसंबर को एजीएम मीटिंग होने वाली है, उसमें पता हमको चलने वाला है इस बार आईपीएल 2021 में 8 की जगह 10 टीमें रहने वाली है और वो दो टीमें कौन कौन सी रहने वाली है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे अहमदाबाद, ये तीनों टीमों में से कोई दो टीम जो आईपीएल 2021 में हमको दिखाई देने वाली है। तो आईपीएल 2021 का जो मेगा ऑक्शन होने वाला है वो है 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में होगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जो स्पोर्ट न्यूज उसके जरिए ये खबर सामने आई है। अभी ये कंफर्म नहीं है दिसंबर में करवाना है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम चल रही है इतनी बड़ी और दूसरा और 31 दिसंबर ख़त्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी है और जनवरी में मेगा ऑक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं आईपीएल 2021 के शेड्यूल की। जैसा कि आईपीएल से पहले इंग्लैंड और इंडिया के बीच में सीरीज होने वाली है जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है इंडिया टूर करने वाली है और अहमदाबाद को तो सबसे बड़ा स्टेडियम यानी कि एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है उनमें पूरे 8 मैच खेलने वाली है इंग्लैंड और इंडिया दोनों ही टीमें। जैसा कि आपको बता दूं पूरे T20 के 5 मैच होने वाले हैं और टेस्ट सीरीज और ODI ये तीनों फॉर्मेट के मैच उस मैदान में होने वाले हैं, जो कि दोनों टीमों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है और ये जो सीरीज ख़त्म होगी 28 मार्च को ख़त्म होने वाली है। तो उसके बाद ही IPL की शुरुआत होने वाली है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 10 अप्रैल से हमको IPL 2020 आगाज होते हुए दिखाई देने वाला है। तो आपको बता दूं इस बार IPL में काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला होना और जो पहला मुकाबला होने वाला है वो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में होने वाला है, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो टीम फाइनल खेलती है वही अगले साल आईपीएल के स्टार्टिंग में भी खेलते हुए दिखने वाली है। 10 अप्रैल को जो स्टार्टिंग मैच होने वाला है वो है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में स्टार्टिंग आईपीएल होने वाला है, जहां आईपीएल 2020 की विनर दिल्ली कैपिटल्स नहीं बन पाई तो मुंबई इंडियंस बन गई। तो वहीं आईपीएल 2020 में देखना यह होगा क्या पंजाब, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपना आईपीएल की खिताब जीत पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों वैसे आपको बता दूं आईपीएल 2021 में जो मेगा ऑक्शन होने वाला है कोई भी टीम अपने 3 ही खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है और 2 खिलाड़ी आरटीएम के जरिए अपनी टीम में शामिल कर सकती है। अब देखना होगा अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी टीम को होगा तो है मुंबई इंडियंस और दूसरी जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, ये दोनों टीमों में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अगर मेगा ऑक्शन में इनको काफ़ी बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।